बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो अरे गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे दुख करे को गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो दया धर्म का मूल है पाप मूल संताप गोविंद बोलो जग क्षमा धर्म तीर्थराज प्रयाग त्रेता से लेकर कुंभ का आधार ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना इन दोनों का जहां मिलम होता है तहां ज्ञान की अधिष्ठाती व्यक्ति के अंदर सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई सरस्वती का जागरण होता है। गंगा और यमुना के मध्य में स्नान कर बीज मंत्रों का जप करने वालों की सुषुप्त पड़ी सरस्वती जागृत होती है और कुंभ देवासु संग्राम देवता और दानों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और मंथन करने से अमृत निकला जो इंद्रपुत्र जयंत उस घट को लेकर भागे जो चार स्थानों पर हरिद्वार प्रयाग उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें छलकी। कुंभ स्नान का मतलब 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति का कारण बनता है। कुंभ का आधार ज्ञानामृत वचनामृत शरणामृत वचनामृत मतलब ब्रह्म विचार ईश्वर की चर्चा जब संत मिलते हैं तो करते हैं और ईश्वर की सत्ता को आधार अवलंबन लेकर ही ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मी चर्चा के माध्यम से अविद्या का उन्मूलन और क्षय होता है और वचन के माध्यम से शास्त्रीय चर्चाएं विश्व की वर्तमान ज्वलंत परिस्थितियों पर संत मंथन करता था चिंतन करता था और मनन करता था जिसका आधार अमृत के रूप में चरणामृत के रूप में ब्रह्मद्रवा गंगा होती थी जिसके लिए पूरे दुनिया के लोग एक डुबकी लगाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और वही चरणामृत गंगा के रूप में है और चौथा चिंतन आता है यहाँ का चरणामृत पूरे विश्व का ज़्यादातर लोगों का आचरण बिगड़ रहा है इसलिए इस कुंभ की वर्तमान परिस्थितियों में
जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस विश्व के नवयुवकों को दिशा दशा गति देने के लिए नैतिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में 15 मिनट अगर नैतिक शिक्षा दिया जाए तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, उनके जीवन का परिष्कार होगा, जीवन में सुधार की परिकल्पनाएं होंगी। और बिना आचरणामृत के जब तब पूजा पाठ साधना सब निरर्थक और व्यर्थ है। इसलिए आचरण जो हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा के रूप में है, हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य दायित्व, नैतिक धर्म समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, और उसी नैतिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए व्यक्ति अपने अगर जीवन में 15 मिनट का समय निकालता है, 1 घंटे का समय राष्ट्र के लिए निकालता है, तो सशक्त भारत, संपन्न भारत, विपन्नताओं से रहित भारत का नव निर्माण हो सकता है। और उसका कारण हो सकता है अध्यात्म, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग जो कुंभ की भूमि है, जहाँ रत्नाकर जैसे नक्सली, माओवादी, आतंकवादी प्रयाग की भूमि में आकर गंगा स्नान किया, उनके जीवन का परिष्कार हो गया, और गंगा जल के पान करने से, भगवान के नाम लेने से उनकी सुषुप्त पड़ी सरस्वती जागृत होती है, और वही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बनता है, जो चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसक महापातक नाशनम, जिनके जीवन में परिवर्तन होता है। भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में वर्णन करता है। संसारी से प्रीति, संसारी से प्रीति।